बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। असिस्टेंट हुसैन किचन में आज मैं बनाने जा रही हूँ माश की और मूंग की दाल के दही बल्ले। मैंने एक कप ली थी माश की दाल और मैंने एक कप ली थी मूंग की दाल, जिसे मैंने 3 घंटे पहले भिगो दिया था। अब हम डाल देंगे इसे ब्लेंडर के अंदर। इसका सारा पानी मैंने खुश कर दिया, बस इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डालकर इसे ग्राइंड करना है। अब हमारा बैटर हो गया तैयार, उसे निकाल देंगे एक बाउल के अंदर। हमारा बैटर हो गया तैयार। 1 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा। 4 से 5 मैंने बारीक हरी मिर्चें ली थी, जिसे मैंने पतली वाली जो हरी मिर्च होती है उसे मैंने बारीक काट लिया। 4 से 5 जब मैंने लिए थे लहसुन के, उससे भी मैंने चॉप कर लिया, उसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 2 टेबलस्पून दही और 1/2 टेबलस्पून हम इसके अंदर डाल देंगे नमक, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। तकरीबन हमने इसे 15 मिनट तक इसी तरह से बीट करना है और एक फ्लफी सा हमने इसका बैटर तैयार कर लिया है। अब हमारा बैटर हो गया तैयार। 15 मिनट तक मैंने इसे अच्छी तरह से बीट करके एक फ्लफी सा बैटर तैयार कर लिया। अब हम डालेंगे इसको पानी के अंदर। पानी के ऊपर ये आ गया तो हम अपने बल्ले तैयार कर लेंगे। हमारा बैटर पानी के ऊपर आ गया। मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, अब उसके अंदर हम डाल देंगे बल्ले। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे। अगर तेज़ फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे। हमने अभी फलों की साइड को बिल्कुल चेंज नहीं करना, ये अच्छी तरह से नीचे से पक जाए फिर हम इसकी साइड चेंज करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने रिलेटिव्स में और फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए। दुआओं में याद रखिए। जज़ाकअल्लाह। हमारे बल्ले एक साइड से तैयार हो गए हैं, अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। हम बल्लों के अंदर डाल के देखेंगे बिल्कुल स्टिक, अगर स्टिक साफ आई तो हमारे बल्ले तैयार है। स्टिक साफ है इसका मतलब है हमारे बल्ले तैयार हो गए हैं। अब हम इन बल्लों को रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। ये बल्ले ठंडे हो गए हैं, अब हम इसे पॉलीथीन के बैग में डाल देंगे। रमज़ान में जब भी हमें ज़रूरत होगी जितने बल्लों की, हम इसमें से निकालेंगे और बना लेंगे। अब हमने एक बैग में इसको पैक कर दिया है। रोज़े से पहले आप थोड़ी देर पहले इसे निकालें, पानी में डालें और इसे दही के अंदर डाल के इस्तेमाल करें। मैंने थोड़े से दही बल्ले दही के अंदर भी डाले हैं। ये वीडियो मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।